अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने हिग्स बोसोन के बारे में जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो चिंता मत कीजिए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है। दोस्तों, पार्टिकल फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें साइंटिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इन पार्टिकल्स के बारे में हमें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर से ही हमारे सारे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब बात करते हैं हिग्स बोसोन की। तो आखिर ये बोसोन है क्या, और क्यों साइंटिस्ट इसके बारे में इतने क्यूरियस थे? देखिए, सभी पार्टिकल्स जो हमारे यूनिवर्स में होते हैं उनमें एक फील्ड होती है जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं। इस फील्ड की प्रेजेंस की वजह से ही पार्टिकल्स को मास मिलता है। हिग्स बोसोन एक पार्टिकल है जिसकी डिस्कवरी 2012 में सन के साइंटिस्ट ने की थी। सन बेसिकली एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसका गोल है यूनिवर्स और उसके सीक्रेट्स को अनकवर करना। तो अब बात करते हैं हिग्स फील्ड की। जैसे हमारे अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जिसके प्रेजेंस से अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मास को एक्सपीरियंस करता है, उसी तरह हिग्स फील्ड पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी पार्टिकल्स तो मास वाले ही होते हैं, तो इन पार्टिकल्स को हिग्स फील्ड की क्या ज़रूरत है? लेकिन दोस्तों, कुछ पार्टिकल्स मासलेस होते हैं, जैसे कि फोटॉन्स। इन पार्टिकल्स को मास देने के लिए हिग्स फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विमिंग पूल में हैं और आप पानी में चल रहे हैं तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी में मास है, क्योंकि पानी आपको स्लो डाउन कर रहा है। लेकिन अगर आप स्पेस में जाते हैं तो वहाँ कोई भी मैटर नहीं होता है और आपकी बॉडी वेटलेस हो जाती है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती। अब आपको समझ आ गया होगा कि हिग्स फील्ड पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करती है। लेकिन इसके बाद भी साइंटिस्ट के दिमाग में एक सवाल था कि हिग्स फील्ड को जनरेट करने वाले पार्टिकल कौन है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें सबसे बड़ा रोल अदा किया सन के लार्ज हैड्रन कोलाइडर ने। लार्ज हैड्रन कोलाइडर, या कहें LHC, एक बहुत बड़ी मशीन है जो कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में अंडरग्राउंड में चल रही है। इस मशीन की मदद से साइंटिस्ट ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बहुत ही हाई एनर्जी पर कोलाइड कराते हुए इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को स्टडी किया। LHC के माध्यम से ही हिग्स बोसोन की डिस्कवरी हुई। इस डिस्कवरी की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलने शुरू हुए। साइंटिस्ट ने इस डिस्कवरी से पहले पार्टिकल्स को मास देने वाले मैकेनिज्म के बारे में सिर्फ थियोरीज बनाई थी, लेकिन जब हिग्स बोसोन की डिस्कवरी हुई तो उनको उस मैकेनिज्म के बारे में सही जानकारी मिल गई। इसके अलावा हिग्स बोसोन की डिस्कवरी से पार्टिकल फिजिक्स के सारी थियोरीज को टेस्ट करने का भी मौका मिला। अब इन थियोरीज को टेस्ट करना क्यों जरूरी था, आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बड़े रूम में हो और आप एक क्रिकेट बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो क्रिकेट बॉल की मूवमेंट और ट्रेजेक्टरी को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको क्रिकेट बॉल की मास, स्पीड और अप्लाइड फोर्स का नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको क्रिकेट बॉल के मास के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी तो आप उसकी मूवमेंट और ट्रेजेक्टरी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। इसी तरह पार्टिकल फिजिक्स में भी पार्टिकल्स के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को जानने के लिए उनके मास के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। हिग्स बोसोन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट के पास अभी भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन ये डिस्कवरी पार्टिकल फिजिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है और आगे फ्यूचर में हमें कई सारी नई जानकारियाँ देने वाली है। इसीलिए हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हिग्स बोसोन क्या है और इसकी डिस्कवरी क्यों इम्पॉर्टेंट थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।